bird on a tree. I'm just sitting. दोस्तों कैसे आप सारे, और आज आप हमारे पीछे गाड़ियाँ देख रहे हैं तो गैस कीजिए गाड़ियाँ तो गैस कीजिए हम कहाँ पे हैं। तो बेसिकली आज हम आए हैं 28C की मार्केट में, मोटो मार्केट इन सेक्टर 28 चंडीगढ़, जैसे कि वो करोल बाग में है ना मोटो मार्केट, सेम लाइक दैट ओनली। अच्छा, और चंडीगढ़ की मार्केट है, तो हमने आज अपनी वेन्यू का कुछ काम कराना था, तो अपने वेन्यू का काम पीछे चल रहा है और बाकी हमने इंट्रो दे रहे हैं बड़ी लेट है, क्योंकि सवेरे हमने इंट्रो नहीं दी थी और तो अपने सोचा क्यों ना इंट्रो दे दी जाए। तो हम आए 28C की मार्केट में, कुछ काम थे, सीट कवर डलाने थे, तो आज अपने को छुट्टी थी आज और कल में, और पारुल की भी छुट्टी थी, तो हमने सोचा क्यों ना कहीं जाके चला जाए, तो हम आ गए थे चंडीगढ़। तो आज हमने अपना गाड़ी का काम कराया, तो आप बेसिकली मेरे पीछे मार्केट देख रहे हो सारी, और हमने इस वाली शॉप से अपना काम करवाया है, और इसका डिस्क्रिप्शन जो भी होगा हम आपको डिटेल हम एक बार आपके ओनर से भी बात करवा देते हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ एक्सेसरीज एंड ऑल आप सब मतलब आपको मिल सकता है, तो वो अभी हम करवाते हैं, और बाकी हम डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स एंड ऑल सारा कुछ दे देंगे, कितना कितना अपना खर्चा आया और क्या क्या चीजें हमने करवाई है भाई, है ना। तो चलिए चलते हैं सीधे शॉप में। और ये वाली पीछे मागू करके है जी, मागू ब्रदर्स करके, इनसे हमने सीट कवर ली है, और कौन सी कंपनी के बारे में बता, इनवॉक के हैं, और प्राइस भाई बता देंगे आपको वीडियो के एंड में कि कितने के पड़े हैं, और बाकी अपनी गाड़ी का काम हो गया चालू। दोस्तों फाइनली अपनी जो सीटें थी वो हो चुकी हैं, अनलोड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अनफोल्ड है, क्या बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, उतर चुकी है बेसिकली। तो अभी यहाँ पे करेंगे जो कवर है, और कवर मैं आपको दिखा देता हूँ कितने सही वाले हैं भाई। दोस्तों अपनी जो सीटें हैं बेसिकली बकेट टाइप है, और आई डोंट नो कि बकेट करने के लिए कवर को फाड़ना पड़ता है कि नहीं, बट वो ये बोल रहे हैं कि कवर को फाड़ना पड़ेगा, तो बेसिकली मैंने आज से पहले कभी सीट कवर डलाया नहीं है, तो मेरे को भी इतना पता नहीं है, तो आज ही पता लगेगा कि सीट कवर कैसे डलेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि सीट कवर गाड़ी के कैसे लग रहे हैं आपको, ठीक है। गाड़ी खुलती है कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है दिल में, बिना सीट की गाड़ी जिसमें मैं बेड लगा के सो जाऊं, बस ऐसी लग रही है, बिना सीट की गाड़ी जिसमें मैं बेड लगा के सो जाऊं, कोई सेंस है इस बात की, हमें बहुत लग रही है टाइम। ना ना वैसे अभी अपनी नई सीटें खोल रही है, इधर को कैसा लग रहा है सीटें खोलते हुए, कैसा लग रहा है, दुख हो रहा है, दुख हो रही है ना, वही साहब। तो अपनी कार का काम जैसे चल रहा है, तो भैया से पूछते हैं, तो भैया आपका नाम क्या है, गौरव, गौरव नाम है, तो भैया कितना टाइम लग जाएगा अपने को ये सीटें फिट करने में, दो घंटे लग जाएंगे, और अपने को ये कवर वगैरह उतारने पड़ते हैं, मतलब ये बकेट करने के लिए उतारने पड़ते हैं, तो ये प्रॉपर बकेट होता है भैया, कैसे होता है जी, प्रॉपर होता है जी, प्रॉपर होगा ना जी, साथ में हम ले रहे हैं फोग लैंप इन द कम, DRL हो गया सारा कुछ, और इसके साथ में हम करेंगे LED ट्राई, और अभी देखेंगे अपने को भी कराने हैं LED की ट्राई, ये देखो सीधा करो, दोनों चीजें
पूरी वायरिंग वायरिंग इसकी है भैया, सारी वायरिंग इसकी है ना, सारी इसकी है जी। बैठ जाओ, ये जो एलईडी है ना, वो इस प्रोजेक्टर में काम भी नहीं होती, फिर लाइट ही निकलनी आपकी, वो दूसरे शीशे वाले में काम होती है। इसको भी दिखा दो भैया, तो फाइनली अपनी एक जो सीट है वो हो चुकी है फिट, बट इस पे छोटी सी लाइनिंग आ रही है, बट भैया बोल रहे की धूप के साथ ही निकलेगी। तो भैया लाइनिंग क्यों आ रही है आप बता सकते हो? एक और ठंड की वजह से मौसम ठंडा तो एग्जिट भी है, मतलब सीटें भी ठंडी हो चुकी है। नहीं बैग में फूल डाल के वो आती है ना, थोड़ा हो जाता है। तो भाई मेरे को इनका रीजन तो सही लग नहीं रहा, बट पता नहीं देखते अभी क्या बनता है ना। तो ऐसा होता है ब्रैकेट करने के लिए आपको ये वायर एक्सटर्नल वायर को छुट्टी है ये आपको डालनी पड़ेगी। तो भैया ने अभी अपने साइज की जो काट की काट ली है और इसको डाल के वहाँ पे कहीं पीछे से इसको टाइट करते हैं। तो बेसिकली हम इसी प्रोसेस को देख रहे हैं। तो फाइनली 2 घंटे के बाद अपने वेन्यू का नंबर आ गया कि अपने DRL लगने के लिए जा रहे हैं। तो भाई आ चुके हैं और अपने जो भी भाई मुस्का क्यों रहे भाई से पूछते हैं, भाई इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया ऐसा? मेरी मर्जी अनवर भाई। तो कितना टाइम लग जाएगा भाई इसमें? 1 से 1.5 घंटे। 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा है ना। और अपना ये सारा बम्पर खोलना पड़ेगा, कोई शक्तिमान वाला मंत्र नहीं मार सकते, मतलब खोलना ना पड़े यार, क्योंकि नई गाड़ी ना बड़ा दुख हो रहा है भाई। तो देखते हैं और कितना टाइम अपने को लगता है DRL लगाने में। यहाँ पे एक DRL लगेगा और एक DRL यहाँ पे लगेगा, कम DRL कम फॉग लैंप ही हो जाएगा भाई वो। तो देखते हैं कैसा लगता है अपनी वेन्यू पे। तो भाई ये होगी अपनी अनबॉक्सिंग पूरी, बड़ा दुख हो रहा है भाई नई वेन्यू को खोलते हुए देख के, और आगे से कैसे लग रही है। इतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ जिंदगी में भाई, जितने आज इसके पटाखे बज रहे थे इतने मेरे दिल के ऐसे दिल धक धक कर रहा है। तो पारुल घर जाने की जल्दी क्यों लग रही है? क्योंकि मैं को भूख लगी है, मैं थक चुकी हूँ। अभी तूने 3 ब्रेड पकौड़े खा लिए, वो कहाँ गए? कहाँ गए वो? गए वो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? 7 रुपये बड़ा काम गया है, चल प्रॉब्लम बड़ा है ना। सो फाइनली हमें पारुल की यहाँ पे ड्रीम कार मिली है। सो पारुल हियर प्रेजेंटिंग यू द पंच। ये पंच है, तो पारुल का पहले दिल था कि पंच लेंगे हम, बट हम अनफॉर्चुनेटली वेटिंग पीरियड ज़्यादा होने के कारण पंच नहीं ले पाए है ना पारुल? यार अच्छी तो लग रही है पंच में कुछ है? यार इनकी कितनी गंदी कर रखी है इन्होंने गाड़ी। और अपनी पारुल रोज अपनी गाड़ी पे झाड़ू पोछा सारा करती है ना, धोते नहीं है ये अपनी गाड़ी यार। ये रही भाई पंच और ये रही अपनी वेन्यू। तेरे को कौन सी सही लग रही है पारुल बता? पंच। ठीक है तो यही रही आज फिर, ठीक है पंच ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। देखो इसका कलर कितना अच्छा है, तो कलर करा देते हैं, करा दूं कलर? सभी तक चली हुई है अपनी इंस्टॉलेशन। और ये भाई जो आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट होते हैं ना, वैसे तो बेसिकली मैं सलाह देता हूँ कि यूज ना करो, मैंने तो डला लिया अब क्या करें भाई। और इनकी सेटिंग जो है ना, सेटिंग सही नहीं बैठती है, तो जो भी आप चीज़ें लगाओ भाई थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करके एजेंसी से लगवा लो, क्या बोलते हैं पर कि हमारा दिमाग खराब हो गया था। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद अपनी जो था प्रॉब्लम लग चुके हैं, और अब काम है इसकी रिले का और वायरिंग का। तो भाई ने वायरिंग चालू कर दी, तो भाई से बोलते भाई कोई तार वार कटेगी इसमें या नहीं कटेगी? तो तार वार अपनी कोई कटेगी नहीं, और बाकी प्लग एंड प्ले का फंक्शन होगा, तो बाकी देखते हैं और कितना इसमें टाइम लगता है बाकी। और 2000 years later कितना टाइम लग जाएगा भाई इसको फिक्स करने में?
आधा घंटा मान के और चलते हैं भाई, तो तकरीबन सीट भी अपनी लास्ट बची है जो कि फिक्स कर रहे हैं, उसके बाद माइनस की सेटिंग है करके अपना बिल प्लेस करके चलेंगे। और अब पूरा मतलब बॉडी ना एग्जॉस्ट हो चुकी है, सवेरे से आए हुए हम तकरीबन 1 बजे पहुँच गए थे और अभी तक 4-5 बजे 5 घंटे हो गए भाई, थक चुके हैं भाई। और अभी देखते हैं और कितना टाइम लगता है और कौन कौन सी कैसे कैसे इसके फंक्शन रखवाता हूँ मैं आपको बताता हूँ भाई। फाइनली बम्पर अपना हो चुका है फिक्स, अब इसकी वायरिंग का काम बचा है, वायरिंग कर रहे हैं फाइनली टर्मिनेशन, उसके बाद इस करेंगे इसकी टेस्टिंग और कैसी लग रही है अपनी एलईडी फॉग लैंप आप देखते हैं ये भाई कैसी लग रही है। और ये रही अपनी शॉप जहाँ से हम काम करा रहे हैं ये वाली, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा भाई। तो दोस्तों साथ में हमने लिया है ये विंडो प्रोटेक्टर, तो इसको भी हम लगाने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी विंडो पे। आपको पता है किस काम आता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि किस काम किस काम आता है भाई, विंडो प्रोटेक्ट करने के काम आता है। नहीं, मैं नहीं मानता। What is this? This is fun. तो भैया अभी हम आए हैं 28C में जो कि मोटर मार्केट है, और भैया ओनर है अपने, ओनर या जो भी मैनेजर है मतलब यहाँ के, तो भैया से बात करते हैं। तो भैया किस क्या क्या शॉप में मिलेगा अपने को? अपना पूरी एक्सेसरी ऑल एक्सेसरी मिल जाएगी, मतलब गाड़ी की चाहिए होगी एक्सेसरी जो भी होगा, जैसे सीट कवर हो गया, सिस्टम हो गया, एलईडी लाइट्स होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, A to Z सारा कुछ। अच्छा सारा कुछ। और अगर मेरे को कुछ स्पेशल बनवाना है अपने जैसे गाड़ी के लिए कि मैंने कस्टमाइज कराना भाई कुछ ऐसा ऐसा कर दो, तो वो भी आप सारा जैसा बोलोगे वैसा दे देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा भैया, है ना? तो भाई आप हमारे नाम लेके आओगे तो भैया भैया कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो दे ही देंगे, है ना? और आप अपना शॉप का नाम बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। अपना जी है SCO नंबर 122 सेक्टर 28B चंडीगढ़, मग्गू ब्रदर्स। मग्गू ब्रदर्स वैसे काफी फेमस शॉप है यहां पे, आपको आ जाएंगे। और जितने भी आपके सराउंडिंग में जितनी भी शॉपें दिख रही हैं, तो सबसे डेकोरेटिव जो शॉप थी यही थी और हमारी फर्स्ट शॉप थी जिसमें हम आए थे, और यहीं पे जो भी हमारे को भैया ने काफी अच्छे डिस्काउंट दे दिए भाई, तो डिस्काउंट भी और कस्टमर सर्विस भी होती है, तो हमें काफी अच्छा लगा, तो काइंड ऑफ की अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड ऑल, और एक हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। और तो हमारा एक्सपीरियंस जो था ना बड़ा अच्छा था कि चलो टाइम तो आपको पता हर चीज में लगता है, बाकी काम जो था अपना तसल्ली बख्श हो गया, चीजें भी अपने को अच्छी मिल गई हैं, और मस्ट रिकमेंडेड शॉप है यहाँ पे, आप आओ 28C में मग्गू ब्रदर में और भैया से मिलो, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है भैया, मिलते हैं जी, है ना? ठीक है जी, ठीक है भैया। तो भैया अपनी गाड़ी का काम आज हो चुका है और काफ़ी बढ़िया से इन्होंने मतलब सर्विस थी अपनी, मतलब काफ़ी बढ़िया से अटेंड करा इन्होंने। और अपने को देखो जी फॉग लैंप डले हैं और अपनी डीआरएल डली है और बाकी डले हैं सीट कवर। तो पार्लर तेरे को सर्विस इनकी कैसी लगी? मेरे को तो अच्छी लगी, समझ मेरे को कुछ आता नहीं, पर ठीक था जो था। तो भैया आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और अपने को भूख बड़ी बड़ी लगी, अब अपने को जाना है सेक्टर 15, वहाँ पे खाने मोमो कौन से वाले देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप सब्सक्राइबिंग, जय श्री राम, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड आल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है? बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।